गल्ला मतलब दिया। सत श्रीकाल सारिआं नूं, मैं जसनूर तवन ते मैं तुहाडे सारिआं दा स्वागत करदी हाँ लुधियाना व्यू प्रजेंट्स गल्लां मतलब दियां पावर बाय ब्लू स्टार डिजिटल मॉल, एक अजिहा प्लेटफॉर्म जिथे ऑनलाइन शॉपिंग करके तुसीं 100% कैशबैक पा सकते हो। ते अज दा एपीसोड साडा बड़ा ही खास है क्योंकि मैं थोड़ी मुलाकात करवाउण जा रही हाँ एक अजिही शख्सियत दे नाल जिन्हां नूं प्यार नाल पंजाब दा सभ्यासाची वी कहा जांदा है। जी ए हन सैलिब्रिटी डिजाइनर ते 50+ फैशन मॉडल संजीव पारस जी। कहा जांदा है कि एक बंदे की पहचान उसके पहरावे की जाती है, थोड़ी बोल बाणी तो बाद चो आती है बट थोड़ा पहरावा देख के थोड़ा परख्या जाता है। तो आओ मैं थोड़ी मुलाकात करवाती हाँ संजीव पारस जी के नाल। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल सर। तो जिमें कि तुसी देख सकते हो मैं थोड़ा दसिया 50+ मॉडल बट सर ने अपने आप नूं इन्ना सोहना मेनटेन किया हो सर, ये फिटनेस इंस्पीरेशन थोड़े च किवें आई? फिटनेस इंस्पीरेशन इस तरह आई कि जदों 50+ लोगों सोसाइटी के इग्नोर किया जाता है, उन्होंने किया जाता कि ये ओवर एज ने, वो कोई किस कोई भी फील्ड होवे, लेकिन मैं सोचे कि मैं उस 50+ लोगों वास्ते एक प्लेटफॉर्म लैके आवां जिहड़ा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होवे, उहदे विच सारे 50+ लोग होन ते मैं भी उन्हां दे विच शामिल हाँ। तो मैं एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिता है जिहदे विच 50+ लोगों मॉडलिंग एक्टिंग और उन्हां दीआं कई एक्टिविटीज़ जिदा स्पोर्ट्स उन्हों इनकलूड किया है ते ताकि वो आने वाले नवी जनरेशन वास्ते की इंस्पीरेशन बन सकन। बिल्कुल। तो हुने मैं देख रही सी तुहाडी वीडियो, तुसी दिवाली विश करन गए सीगे हरभजन मान जी नूं, ते उन्होंने भी तुहाडे पहरावे दी जिद्दां तुसी अपने आप नूं मेनटेन कीता उहदी बहुत ही सिफत की है। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं दस देवां कि एक अजिहे फैशन डिजाइनर ने, ये पहले फैशन डिजाइनर ने पंजाब दे जिन्हां नूं हरभजन मान जी वर्गे पुराने आर्टिस्ट ने इन्ने मान सत्कार नाल इन्ने निघा स्वागत कीता पंजाबी इंडस्ट्री का, क्योंकि असीं अजिहा देखदे हाँ कि फैशन डिजाइनर नूं इग्नोर जा कीता जांदा है। हालांकि फैशन डिजाइनर का बहुत ही वड्डा महत्व होंदा है किसी भी मूवी विच क्योंकि आउटफिट्स के नाल ही अदाकारा की पहचान होंदी है। जी मैं तुहाडा अपना हरभजन मान पारस फैशन तो सारी वीडियोज के कास्ट्यूम्स आए उन्होंने बड़ी मेहरबानी बड़ी जी जान भाजी हरी बड़े चाह के नाल उन्होंने कि हरभजन लिए असी ड्रेसिज तैयार करनी है, बहुत जी जान काम किया, थैंक यू पारस फैशन। ते सर तुहानू किहो जिहा लग्या, तुहानू इन्ना मान सत्कार ते निग्गा स्वागत किया गया तुहाडे वल्लों हरभजन मान जी वल्लों तुहाडा स्वागत किया गया? मैं उन्हां दा तहे दिल तो बहुत शुक्र गुजार हाँ क्योंकि बहुत समय तो देखा जा रहा है कि एक फिल्म बनाने दे विच सब दा बहुत ज़्यादा रोल हुंदा है और उहदे विच एक्टर सिंगर प्रोड्यूसर डायरैक्टर उस सारिया नू नाम उन्हां दा हाईलाइट हुंदा है, बट जिथे ड्रैस डिजाइनर की गल आती है उत्थे उहनू बहुत लुधियाने आना 2 घंटे वेस्ट करने अपने ट्रैफिक दे विच जाम दे विच फसना, तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि तुसी अपना एक ऑफिस चंडीगढ़ दे विच बनाओ। तो बहुत जल्दी ये भी खुशखबरी मैं देना चाहना है कि एक सैलिब्रिटी ऑफिस लुधियाना तो एक चंडीगढ़ दे विच होएगा जिथे सारे कलाकार जिहड़े इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री खास करके मैं फोकस कर रहा उन्हां वास्ते सारी डिजाइनिंग उत्थे होएगी, वो एक बड़ा स्पैशल ऑफिस आ। क्या बात है, क्या बात है। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द गुड लक।
वैसे तो तुसी सारे अदाकारां नाल काम कर चुके हो, सारे कलाकारां नाल काम कर चुके हो, बट एक हुंदा ना कि एक ड्रीम कलाकार हुंदा है कि हाँ यार इस नाल भी एक बार काम करना है, तो तुहाडा ड्रीम कलाकार कौन है? मैं जदों छोटा सी ते मैं गुरदास मान जी नूं सुनदा सी ते मैनूं ओह दिलों बहुत मैनूं प्यार आ उहनां नाल, तो मैं उन्हों का बड़ा सत्कार करदा, तो मैं चाहना कि जो मैं मौका मिले तो मैं उन्होंने ड्रैस एक बार जरूर डिजाइन करनी है और मेरी ड्रैस पा के स्टेज पर आन, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो असं आशा करते हैं कि थोड़ी आ भी ड्रीम बहुत ही छेती पूरी होए, बाकी भी सारिया ड्रीम्स छेती पूरी होन, तो यह वाली ड्रीम भी छेती पूरी होए। तो तुम हिमांशी खुराना भी स्टाइल कर चुके हो मैं सुनिया, तो हिमांशी खुराना एक अजिहा नाम बिग बॉस तो बाद तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने पहुँच बदी है, उन्होंने बॉलीवुड भी काफ़ी मतलब नाम कमाया उन्होंने, तो तुम इन्ने व्डे कलाकारा काम कर चुके हो, तो ये जर्नी कितों शुरू हुई थोड़ी? ये 2009 दे विच जदों मिस लुधियाना होया उदों मैं वूमेन सैक्शन दे विच हिमांशी खुराना दा जिहड़ा ब्राइडल लहंगा और आउटफिट सी ओह लुधियाना मॉडलिंग जिहड़ा होया सी फंक्शन होया सी, ते उहदे विच मैं उहनां दीआं ड्रेसिस डिजाइन कीतियां सी, ओह उहनां दा पहला प्लेटफॉर्म सी, और उस तो बाद मिस लुधियाना बने, फिर वो पंजाबी बॉलीवुड इंडस्ट्री दे विच गए, उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो मैं उन्होंने बहुत शुभकामनावां दिना कि उन्होंने एक छोटे जे प्लेटफॉर्म तो एक बहुत वड्डा बिग बॉस वर्गा प्लेटफॉर्म हासिल किया है, तो आने वाले समय दे विच भी मैं उन्होंने वास्ते कुछ ना कुछ करांगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इदा ही थोड़ा सिलसिला चलता रहे, तो मैं कहा कि थोड़ी वाइफ भी डिजाइनर है, तो तुसी दोनों मतलब आपस बहनते हो तो क्रिएटिव गल करते हो गए, बिकॉज एक डिजाइनर होने ना बड़ा ही क्रिएटिविटी लगती है, तो क्रिएटिविटी थोड़े बचपन तो ही सी, तो थोड़ी वाइफ में भी शौक से कि तुसी हौली हौली उन्होंने भी शौक पाया, एक किवें होया? बहुत पुरानी गल है, जदों असी साडी मुलाकात हुई 2002 दे विच, और उन्होंने मैनू कहा कि मैनू इस चीज़ का बहुत शौक आ, तो मैं उन्होंने शौक नू अगे लैके चलिया, तो उन्होंने जिस तरह की भी मदद हो सकती सी की, और अज वो एक नामी डिजाइनर आ जैसमीन पारस डिजाइनर दे नाम ते, और उन्होंने भी बहुत सारे पंजाबी कलाकारां और हिंदी मूवीज़ दे विच डिजाइन किए ने, ते मैं ते वो कट्ठे मिलके डिजाइन करते हैं और बहुत अच्छा लगता। ज़्यादा खुश होकर साढ़े को जाते हैं, वही सारा रिवार्ड भी। क्या बात है। तो हुण असीं गल करदे आ कि एक मैं तुहाडा एपीसोड सुनिया सीगा, कहिंदे ना कि समा बदलन नूं वक्त नहीं लगता, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि कुदरत का खेल है, कभी रब चंगा टाइम भी दिखाता है, कभी माड़ा टाइम भी दिखाता है। तो तुसीं अपने बचपन एक अजिहा तुहाडे नाल एक घटना वापरी जिद विच तुहानूं यूनिफॉर्म नहीं सीगी, तो तुहानूं दो दिन क्लास के बाहर खड़ना पिया, तो तुहानूं वजीफा मिलिया सीगा 90 रुपए यूनिफॉर्म का। एक वो टाइम भी सीगा, तो अज का एक टाइम है जिद विच पारस डिजाइनर एक अपने आप विच ब्रांड बन चुका है, तो सैलीब्रिटीज़ की लाइना लगिया होंदिया अज डिजाइन पारस डिजाइनर के बाहर, कि लोग तरसते हैं कि तुहाडा आउटफिट पाउण, ये करिश्मा है कुदरत दा, ते तुहानूं ये पूरी जर्नी तुहाडी किवें दी लगी, ये किवें बदलाव आया, ते केड़ा रीज़न सीगा जिन्हें तुहानूं प्रोवोक कीता कि तुसी इस फील्ड विच अपना नाम कमाओ? एक मेरी जिंदगी दी टर्निंग पॉइंट लगा हो, जदों क्लास तो बाहर खड़ा होया सी ते लोग मेरे ते हस रहे सी, ते हुण जदों स्टेज ते जाने आ ते लोग तालियां मार रहे हुंदे आ, ते ये एक कुदरत दा करिश्मा है, और कुदरत बहुत महान आ, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सो तुसी जो सोचते हो वो शायद कदे पा लैने हो। मैं यही सोचिया सी कि एक दिन मैं बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर बना, ताकि मैं अपनी उस कमी नूं पूरा कर सकां, जिहड़ी कमी मैं किन्नी देर अपनी जिंदगी दे विच उन्हूं सहारिया है। और आने वाले भी जनरेशन नूं मैं यही कहना चाहवांगा कि मेहनत दे विच विश्वास करो, और अपने आप ते विश्वास रखो, और उपर वाले ते विश्वास करो, ताकि तुहाडी जिंदगी दे विच तुहानूं सब कुछ मिल सकता है। अगर तुहाडा विश्वास नहीं तुहाडे विच, अगर तुहाडा विश्वास टुट गया, तो तुसी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो मैं देखा कि तुहानूं पॉलिटिशियंस नूं स्टाइल करन दा भी बड़ा चाह है, तो नैक्सट किहड़ा पॉलिटिशियन है जिन्हों तुसी स्टाइल कर रहे हो?
पॉलिटिशियन तो नहीं, मैं बेसिकली नवे साल से मैं एक प्लान किया कि नरेंद्र मोदी साहब की एक जैकेट और कुर्ता पजामा उन्होंने वास्ते डिजाइन कर रहे हैं और नवे साल से मैं उन्होंने गिफ्ट कर रहे हैं और उन्होंने पीएम हाउस एड्रेस के उत्ते पोस्ट करांगा। यह भी बहुत मेरे लिए एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट से जो मैं कर जा रहा इस साल। क्या बात है जी। सर कहा जाता है कि भावें इस इंडस्ट्री किन्ने मॉडल्स आ चुके पर तुहानू अपने प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग करना आप ही पसंद है, तो क्यों करिए भी क्यों ना, क्योंकि तुसी आप ही इन्ने फिट हो बिल्कुल मॉडल वर्गे जो क्या 50+ मॉडल, तो तुहानू मॉडलिंग शुरू तो ही पसंद सी कि विद क्रिएटिविटी विद डिजाइनर बन के तुहानू सीगा कि हाँ हुण मैं अपने प्रोडक्ट शूट आप ही करा। मैनू मॉडलिंग शुरू तो पसंद है और मैं काफ़ी जो स्कूल टाइम ते सी उदों ही अपने आप नू थोड़ा जिहा फैशनेबल रखदा सी, भावें सोर्सिस घट सी पर एक शौक सी, वो शौक मेरा इस इंडस्ट्री च आके पूरा होया ते मैं उपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम मेरे नाल जुड़ चुके हैं पारस डिजाइनर के रेगुलर क्लाइंट गौरव जुनेजा जी, जो कि संजीव पारस जी के खास दोस्त भी ने, ते ए अपने नाम हासिल कर चुके ने 2010 का मिस्टर लुधियाना का खिताब ते 2013 मिस्टर पंजाब का खिताब, ते कल इन्हों का विआह भी सीगा जिन्हां विच मैं देखा कि कल भी इन्होंने पारस जी की कलैक्शन ही पाना चूज़ किया, तो क्यों ना असीं कह सकते हैं कि ये उन्हों का लक है, पारस जी का लक है, कलैक्शन का लक है, तो ही तुसीं हर एक स्पैशल ओकेजन ते इन्हों पाना पसंद करते हो। हाँ जी बिल्कुल, मैं पारस जी का बहुत धन्यवाद करना चाहना क्योंकि मैं स्पेशली अपने जिन्हें भी फंक्शंस ने मैं पारस डिजाइनर सूट्स ही पाना क्योंकि उन्होंने सूट्स एक इन्नी को गेटअप बंदे मिल जाती है, उन्होंने बिल्कुल रंग रूप ही चेंज कर देंगे ने।